अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन लज्जत में आपका इस्तकबाल है। और आज मैं यहाँ रगड़ा पेटीज बना रही हूँ। ये बॉम्बे की स्ट्रीट फूड रेसिपी है और बहुत पॉपुलर है वहाँ पर। अब तो जो है ये पूरे वर्ल्ड में इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई जाती है रगड़ा पेटीज। आइए इसको हम किचन लज्जत में बनाते हैं। किचन लज्जत की स्पेशलिटी को देखिए आखिर तक, एक एक चीज़ को गौर से देखिएगा। मैंने इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें और नई नई ट्रिक्स इस्तेमाल की है। तो आइए इसे तैयार करते हैं किचन लज्जत में। यहाँ पर हम एक सॉस बना रहे हैं। ये मैंने फ्रेश क्रीम लिया है, ये 3 टीस्पून है। अब मैं इसमें हंग कर्ड डाल रही हूँ, इसको भी मैं छान के ही लूँगी। ये कर्ड भी मैं 2 टीस्पून ले रही हूँ। अब इसमें जो है मैं 1 टीस्पून मेयोनीज डाल रही हूँ, वेज मेयोनीज है ये। और इन सब को हम अच्छे तरीके से अब मिक्स करेंगे। अब डाल रही हूँ इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें मस्टर्ड सॉस। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिए, लेकिन इससे इस ड्रेसिंग का मज़ा बहुत बढ़ जाता है। और 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें शक्कर। यहाँ हमने खट्टी मीठी सी जो है दही की इसमें खटास शामिल है, काली मिर्च की तेज़ी है और शक्कर की हल्की सी इसमें जो है ये स्वीटनेस है। ये हमने यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा सॉस बनाया है, थिक सॉस है बहुत। इसको हम रगड़ा पेटीज में इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि इसकी थिकनेस भी बढ़ जाए। देखिए हमने 3 कटलेट्स यहाँ पोटैटो पे डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। इसमें थोड़ा सा तेल डाला है और थोड़ा सा तेल अब हम और डालेंगे ऊपर इसके। और अब इसको हम उलट देंगे। देखिए कटलेट्स हम निकाल रहे हैं, ये फ्रोज़न कटलेट्स हैं और कोई नहीं कह सकता है कि ये अभी फ्रेश नहीं है, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। इस फ्रोज़न पोटैटो कटलेट्स की जो रेसिपी मैंने अपने चैनल पर बताई है उसको फॉलो करके बनाइए, तो बिल्कुल आपके ऐसे ही बनेंगी। रगड़ा पेटीज बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले तो हमने लिया है मटर, इसको रात भर भिगोया है और फिर इसको हमने जो है पानी से साफ धो के कुकर में डाल के इसको हमने हल्दी और नमक के साथ उबाल लिया है। इसी तरीके से उबालिए, बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा सख्त मत रखिए। यहाँ हमने टमाटो लिया है एक और इसको हमने बारीक काट लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर जो है खीरा लिया है, इसको भी हमने काटा है। यहाँ हमने लिया है प्याज, इसको ग्रेट कर लिया है। यहाँ मैंने एक पोटैटो लिया है उबला हुआ और इसको बारीक काट लिया है। ये चूंकि रगड़ा पेटीज है तो ऑब्वियसली इसमें जाएगा पेटीज, जिसको कि हमने तैयार किया है और ये हमने आपको दिखा दिया। साथ ही हमने यहाँ पर कुछ ड्रेसिंग ली है, इसमें ये चटनी है, ग्रीन चटनी है जिसमें कि हमने कच्चे आम का इस्तेमाल किया है। साथ ही हमने यहाँ पर इमली की चटनी ली है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हमने जो है एक सॉस बनाया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही जो है इसमें हम सीजनिंग डालेंगे, जिसमें कॉमन सॉल्ट है, चाट मसाला है, काली मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर है। और हमने यहाँ पर एक ये होममेड मसाला तैयार किया है, रगड़ा पेटीज का मसाला है जो मैंने खुद बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं अगला वीडियो इसी पे बनाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है इसमें MDH का मसाला जो बना बनाया मार्केट में मिलता है, चना मसाला, इसको यूज़ कीजिए। ये ही मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में, MDH का मसाला बहुत अच्छा होता है। और देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरा धनिया, साथ ही यहाँ मैंने मिर्च ली है और इसको मैंने बड़ा बड़ा काटा है ताकि ये मुँह में ना आने पाए। तो सबसे पहले मैं तैयार करूँगी यहाँ पर मटर। सबसे पहले जो है उबले हुए मटर को हम रगड़ा बनाएंगे इसका। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल मत डालिए वरना इसकी सब्ज़ी बन जाएगी। थोड़ा सा इसमें डालूंगी क्यूमिन सीड्स, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर डालूंगी। देखिए इसमें मैं टमाटो सॉस डाल रही हूँ, इससे जो है हमें टमाटर भी मिल जाएगा और शुगर का मिठास भी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ें इसमें मिला सकते हैं। देखिए अब ये यहाँ तैयार हो गया है रगड़ा।
जिसमें आप टमाटर, कच्चा टमाटर है तो इसको काट के डालिए, थोड़ी शक्कर डालिए और अगर चाहे तो गुड़ भी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ टमाटर सॉस इस्तेमाल किया है जिसमें शक्कर भी है और टमाटर भी है, तो जो भी चाहे आप उसे मिला सकते हैं। बस इसको बंद करना है और अब हम इसको करेंगे प्लेटिंग। देखिए रगड़ा हमने निकाल दिया, पेटिस रख रहे हैं हम इसके ऊपर। डालेंगे चाट मसाला, काली मिर्च डाल रही हूँ मैं इस पर। डालूंगी रगड़ा पेटिस मसाला, ये होममेड है और इसकी रेसिपी जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए। धनिया, साथ ही जाएगी इसमें प्याज, और इसमें अब मैं डाली हूँ ये ककम्बर। इससे इसका मज़ा बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत लजीज लगती है ये खाने में, बिल्कुल एक अलग मज़ा देती है। टमाटोज डाल रही हूँ मैं इसमें कटे हुए, और अब डालूंगी इस पे मैं पोटैटो कटे हुए। इसमें कोरिएंडर, पुदीना और कच्चे आम की चटनी डाल रही हूँ, और अब डाल रही हूँ इमली की चटनी। ये है किचन लज्जत की स्पेशलिटी, ये सॉस जो मैंने बनाया है। वाह वाह वाह, कोरिएंडर लीव्स एक बार फिर डाल रही हूँ मैं इसमें कटा हुआ। साथ ही मैं इसमें डालूंगी सेव है। व्यूअर्स, रगड़ा पेटिस बनके तैयार है। स्ट्रीट फूड है ये, गुजरात और महाराष्ट्र में, खास करके बॉम्बे में बहुत ज्यादा फेमस है। इसको मैंने जिस तरीके से बनाया है, ये किचन लज्जत की स्पेशलिटी है। बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स और बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से मैंने इसको तैयार किया है, तो इसको आप पूरा देखिएगा, कोई भी इसमें से मिस मत कीजिए। बहुत लजीज बना है और इसकी लुकिंग भी बहुत अच्छी है। इसे बनाइएगा, अपना ख्याल रखिए, बच्चों की पसंद का ये नाश्ता बनाते रहिए, उनको परोसते रहिए। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।